हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, चाहे आप रेगुलर में हो या सोल में हो, सेमेस्टर थ्री के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। जिन भी स्टूडेंट ने बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम में एडमिशन ले रखा है, तो उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का। तो आप लोगों के लिए अब यहाँ चैनल पर वीडियोस आने वाली हैं इस सब्जेक्ट की, जिसके अंदर मैं आपको इस कंप्लीट सब्जेक्ट को काफी डिटेल में कवर करवाने वाला हूँ। जो भी यूनिट आपके एग्जाम के सिलेबस में दी गई है, उनके अंदर जो जो टॉपिक आपके एग्जाम के सिलेबस में दिए गए हैं, वो सारी चीजें आपको काफी डिटेल में कवर करवाने वाला हूँ। यूनिट वाइज आपको वीडियोज मिलने वाली है, एक यूनिट की हो सकता है दो तीन वीडियोज मिल जाए, लेकिन सारी चीजें आपको उनमें डिटेल में कवर मिल जाएंगी। जिन नोट्स से मैं आपको ये वीडियो मैं कवर करवाऊंगा, वो सारे नोट्स पेड नोट्स हैं। अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। नोट परचेज करने के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर डीएम करिए। 159 रुपीज में आपको पांचों यूनिट्स के नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। बाकी जो फ्री नोट्स हैं वो पहले से टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो रखे हैं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन या कम्युनिटी पोस्ट में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जो भी फ्री कंटेंट होता है वो आपको वहां अपलोड मिल जाएगा। तो चलिए, अब बिना देर के शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो। तो देखिए, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो आपकी यूनिट नंबर 2 है, जिसका नाम है कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट सिलेक्शन। इस यूनिट को हम दो वीडियोस के अंदर दो पार्ट्स में कवर करेंगे। एक पार्ट में हम देखेंगे कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में और दूसरे पार्ट में हम देखेंगे मार्केट सिलेक्शन के बारे में। सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं, आपके एग्जाम के सिलेबस में क्या क्या दिया गया है, क्या क्या टॉपिक है। तो कंज्यूमर बिहेवियर, नीड फॉर स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, स्टेजेस इन कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग डिसीजन। फिर मार्केट सिलेक्शन, चूजिंग मार्केट वैल्यू थ्रू एसटीपी, मार्केट सेगमेंटेशन, बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन, कंज्यूमर मार्केट, मार्केट टारगेटिंग, प्रोडक्ट पोजिशनिंग कंसेप्ट एंड बेसिस। इतना कंसेप्ट आपको देखने हैं इस यूनिट के अंदर, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आता है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। तो कंज्यूमर बिहेवियर इज अ फैसिनेटिंग फील्ड दैट एक्सप्लोर हाउ इंडिविजुअल ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट बाय यूज एंड डिस्पोज ऑफ गुड सर्विस आइडिया और एक्सपीरियंस। कंज्यूमर बिहेवियर में आपको क्या पता लगता है कि कोई इंडिविजुअल या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से गुड सर्विसेज आइडियाज और एक्सपीरियंस को सिलेक्ट करती हैं, बाय करती हैं, यूज करती हैं और उसे किस तरीके से डिस्पोज ऑफ करती हैं। ये सारी चीजें आपको किसकी मदद से पता लगती हैं, कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी की वजह से पता लगती हैं। इट इनकम्पासेस द प्रोसेस एंड डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी इन्वॉल्व्ड इन परचेजिंग एंड कंज्यूमिंग प्रोडक्ट। इसके अंदर आपका क्या आ जाता है, डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज आ जाती हैं और उसका प्रोसेस आ जाता है कि किस तरीके से एक कंज्यूमर है वो परचेजिंग से रिलेटेड डिसीजन लेता है प्रोडक्ट के और कंज्यूमिंग से रिलेटेड डिसीजन लेता है। तो ये मतलब होता है आपका कंज्यूमर बिहेवियर का। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक नीड फॉर स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर की। कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने की जरूरत क्यों है। तो पहला आता है इम्प्रूव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। ये हमें मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। कैसे, तो टारगेटिंग एंड सेगमेंटेशन बाय अंडरस्टैंडिंग द प्रेफरेंस नीड्स एंड बिहेवियर ऑफ डिफरेंट कंज्यूमर ग्रुप बिजनेस कैन सेगमेंट देयर मार्केट मोर इफेक्टिवली एंड टारगेट देयर मार्केटिंग एफर्ट मोर प्रिसाइजली। कंज्यूमर के प्रेफरेंस नीड्स और बिहेवियर को स्टडी करके, मतलब जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, उनकी प्रेफरेंस नीड और बिहेवियर को स्टडी करके जो बिजनेस हैं वो क्या कर सकते हैं, एक सेगमेंट डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस टाइप के कस्टमर को टारगेट करना है और उनके लिए वो अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। फिर है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो इनसाइट इनटू कंज्यूमर बिहेवियर कैन गाइड द क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट दैट मीट एक्चुअल नीड एंड डिजायर। कंज्यूमर बिहेवियर को समझ के जो बिजनेसेस हैं वो अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं जिससे जो नीड और डिजायर है कंज्यूमर की वो मीट आउट हो जाए, लीडिंग टू मोर सक्सेसफुल एंड रेलिवेंट प्रोडक्ट ऑफरिंग, जिससे उनका प्रोडक्ट मोर सक्सेसफुल और रेलिवेंट हो जाए यूजर्स के लिए और कंज्यूमर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्या नीड है, तो इनहांस कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इनहांस करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले पर्सनलाइजेशन, नॉलेज ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस इनेबल बिजनेस टू पर्सनलाइज देयर कम्युनिकेशन एंड ऑफरिंग क्रिएटिंग मोर सेटिस्फाइंग कस्टमर एक्सपीरियंस। जब बिजनेसेस को कंज्यूमर की प्रेफरेंस के बारे में पता होगा तो वो अपने प्रोडक्ट को उन कंज्यूमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही डिजाइन करेंगे, जिससे क्या होता है कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है। फिर एंटीसिपेटिंग नीड, तो अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर पैटर्न हेल्प एंटीसिपेट कस्टमर नीड एंड एड्रेस देम प्रोएक्टिवली।
कंज्यूमर के बिहेवियर पैटर्न को समझकर वो कंज्यूमर की नीड्स को पहले ही एंटिसिपेट कर सकते हैं बिजनेसेस, और उसके अकॉर्डिंग उन्हें जिस टाइप के प्रोडक्ट की जरूरत है उस टाइप का प्रोडक्ट पहले प्रोवाइड करवा सकते हैं, जिससे क्या होता है ओवरऑल सेटिस्फेक्शन में इम्प्रूवमेंट आपकी आ जाती है। नेक्स्ट है ऑप्टिमाइज एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन। एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन में भी कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी हेल्प करती है। तो इफेक्टिव मैसेजिंग इंसाइट इनटू व्हाट मोटिवेट कंज्यूमर कैन लीड टू मोर कंपेलिंग एंड रेजोनेट एडवर्टाइजिंग मैसेज। अगर बिजनेसेस को पता होगा कि कंज्यूमर को क्या चीज़ है प्रोडक्ट के अंदर जो मोटिवेट करती है, तो फिर वो अपनी एडवर्टाइजिंग को उसी तरीके से डिज़ाइन करेंगे, एडवर्टाइजिंग के मैसेज को उस तरीके से डिज़ाइन करेंगे जिससे वो डायरेक्टली कस्टमर को हिट करे, कंज्यूमर को हिट करे और उन्हें मोटिवेट करे, इन्फ्लुएंस करे कि वो प्रोडक्ट को खरीदे। नेक्स्ट है चैनल सिलेक्शन। तो नोइंग वेयर एंड हाउ कंज्यूमर प्रेफर टू रिसीव इन्फॉर्मेशन हेल्प इन चूजिंग द मोस्ट इफेक्टिव चैनल फॉर प्रमोशन। इसके बारे में पता होना कि कंज्यूमर जो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करता है वो किस चैनल के थ्रू इंफॉर्मेशन गेन करता है, तो फिर बिजनेसेस क्या कर सकते हैं उसी चैनल के थ्रू एडवर्टाइजिंग करके अपने प्रोडक्ट की सेल और अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये सेल्स को और प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग, अंडरस्टैंडिंग हाउ कंज्यूमर परसीव वैल्यू हेल्प इन सेटिंग प्राइस दैट मैक्सिमाइज सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ये समझना कि कंज्यूमर क्या वैल्यू परसीव करता है प्रोडक्ट की, उसके लिए प्रोडक्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्राइस को सेट कर सकते हैं, अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं, अपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रॉस सेलिंग एंड अप सेलिंग। तो इनसाइट्स इनटू परचेजिंग बिहेवियर कैन आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी फॉर क्रॉस सेलिंग एंड अप सेलिंग बूस्टिंग रेवेन्यू। परचेजिंग बिहेवियर के बारे में जब आपको नॉलेज होगी, बिजनेसेस को नॉलेज होती है, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो क्रॉस सेल कर सकते हैं और अप सेल कर सकते हैं, जिससे उनका रेवेन्यू बूस्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बिल्ड ब्रांड लॉयल्टी। तो इसमें आता है ये ब्रांड की लॉयल्टी बढ़ाने में भी हेल्प करती है। कैसे, कस्टमर एंगेजमेंट, नोइंग व्हाट ड्राइव कस्टमर लॉयल्टी हेल्प इन डेवलपिंग स्ट्रेटेजी टू एंगेज एंड रिटेन कस्टमर मोर इफेक्टिवली। ये पता होना कि कस्टमर की लॉयल्टी किस चीज़ से ड्राइव होती है, इसके अकॉर्डिंग बिजनेसेस क्या कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं जिससे वो कस्टमर को एंगेज और रिटेन करके रख सकें और मोर इफेक्टिवली वो ये सारी चीज़ें कर सकें। फिर आता है ब्रांड पोजिशनिंग। तो अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर परसेप्शन हेल्प इन पोजिशनिंग ब्रांड इन अ वे दैट रेजोनेट विद द टारगेट ऑडियंस एंड स्ट्रेंथन ब्रांड लॉयल्टी। कंज्यूमर की परसेप्शन को समझकर ब्रांड क्या कर सकती हैं, अपनी एक पोजीशन ले सकती हैं कि उन्हें किन कस्टमर को, किन ऑडियंस को टारगेट करना है, और उसके अकॉर्डिंग वो अपनी ब्रांड लॉयल्टी को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। नेक्स्ट है गाइड मार्केट रिसर्च एंड स्ट्रेटजी। इस चीज़ में भी ये आपके कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी हेल्प करती है। तो सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर हेल्प आइडेंटिफाई इमर्जिंग ट्रेंड एंड शिफ्ट इन मार्केट। कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी से बिजनेसेस को पता लगता है कि रिसेंट या करंट टाइम पर क्या ट्रेंड चल रहा है और मार्केट में किस तरीके का शिफ्ट आ रहा है, अलाउइंग बिजनेसेस टू अडेप्ट एंड स्टे अहेड ऑफ द कंपटीशन, जिससे क्या हो वो हमेशा उस चेंज को अडेप्ट कर सकते हैं और हमेशा अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहकर कॉम्पिटिशन में ऊपर रह सकते हैं। फिर है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो इंसाइट इंटू कंज्यूमर बिहेवियर प्रोवाइड अ कॉम्पिटिटिव एज बाई इनेबलिंग बिजनेसेस टू डिफ्रेंशिएट देमसेल्व एंड रिस्पॉन्ड मोर इफेक्टिवली टू मार्केट चेंज। क्या बोला है, कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी एक आपको कॉम्पिटिटिव एज प्रोवाइड करवाती है, दूसरे बिजनेसेस से वो आपको डिफरेंशिएट कर देती है, जिससे आप मार्केट के अंदर जो भी चेंज आता है उसके अगेंस्ट अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाते हैं और आप कंपटीशन में सबसे आगे रहते हैं। नेक्स्ट आता है इनहांस कस्टमर एक्सपीरियंस। ये कस्टमर एक्सपीरियंस को भी इनहांस करती है। कैसे, जर्नी मैपिंग, अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर जर्नी हेल्प बिजनेस डिजाइन बेटर प्रोडक्ट कस्टमर एक्सपीरियंस एंड स्ट्रीमलाइन इंटरेक्शन क्रॉस टच पॉइंट। कंज्यूमर जर्नी को समझकर बिजनेसेस क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को डिजाइन कर सकते हैं। फिर फीडबैक यूटिलाइजेशन। तो इनसाइट गेन फ्रॉम स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर कैन गाइड इंप्रूवमेंट बेस्ड ऑन एक्चुअल फीडबैक एंड एक्सपीरियंस। कंज्यूमर बिहेवियर को समझकर जब आप समझते हैं तो उसमें आपको फीडबैक मिलती है कस्टमर से कि कस्टमर की क्या फीडबैक है, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो चीज़ें हैं उनमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है अडेप्ट टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस. डिजिटल बिहेवियर एज कंज्यूमर बिहेवियर इंक्रीजिंगली मूव ऑनलाइन. अंडरस्टैंडिंग डिजिटल एंड सोशल मीडिया बिहेवियर इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. जैसा कि कंज्यूमर बिहेवियर ऑनलाइन शिफ्ट होता जा रहा है, कंज्यूमर ऑनलाइन चैनल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो डिजिटल और सोशल मीडिया बिहेवियर को समझने से आप क्या कर पाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अच्छी स्ट्रेटेजीज बना पाते हैं जिससे आप अपने कस्टमर के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाते हैं. नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन. तो इनसाइट्स इनटू हाउ कंज्यूमर इंटरेक्ट विद टेक्नोलॉजी हेल्प इन इंटीग्रेटिंग न्यू टूल एंड प्लेटफॉर्म इनटू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. ये समझना कि कंज्यूमर टेक्नोलॉजी में किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है जिससे आपको मदद मिलती है, आप नए टूल अपने प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करवा पाते हैं जिससे आप अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बना पाएं. नेक्स्ट है सपोर्ट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग नॉलेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर कंट्रीब्यूट टू इन्फॉर्म्ड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इंश्योरिंग दैट बिजनेस स्ट्रेटेजीज आर अलाइंड विद कंज्यूमर नीड्स एंड मार्केट डायनेमिक्स. तो अगर कंज्यूमर बिहेवियर की नॉलेज होगी तो उससे क्या होगा, आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हेल्प होगी, कंट्रीब्यूशन मिलेगा, आप बिजनेस स्ट्रेटेजीज उसके अकॉर्डिंग बना पाएंगे कि कंज्यूमर की नीड क्या है और मार्केट के डायनेमिक्स क्या है. नेक्स्ट है फैसिलिटेट इफेक्टिव कम्युनिकेशन. तो मैसेजिंग क्राफ्टिंग. Understanding consumer behavior help in crafting messages that resonate with the target audience and effectively communicate the value proposition. क्या बोला है, consumer behavior की understanding आपको ऐसा message craft करने में help करती है जिससे आप अपने target audience है उनके साथ effectively communicate कर पाएं और जो value proposition उन्हें देना चाहते हैं वो उन्हें provide करवा पाएं. ठीक है, तो ये हो गया आपका need of understanding consumer behavior. नेक्स्ट टॉपिक है स्टेजेस इन कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस. की जो कंज्यूमर का बाइंग डिसीजन प्रोसेस होता है उसकी क्या क्या स्टेजेस होती हैं. सबसे पहली स्टेप आता है इसमें प्रॉब्लम रिकॉग्निशन. तो द प्रोसेस बिगिन वेयर द कंज्यूमर रिकॉग्नाइज नीड्स और आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम. प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, जब कंज्यूमर को किसी चीज की जरूरत होती है या कोई प्रॉब्लम वो आइडेंटिफाई करता है. दिस कुड बी ट्रिगर्ड बाय इंटरनल स्टिमुली और एक्सटर्नल स्टिमुली. ये इंटरनल वजह से या एक्सटर्नल किसी भी वजह से हो सकता है. नेक्स्ट रहेगा आपका इन्फॉर्मेशन सर्च. एग्जांपल आप पढ़ लीजिएगा. ठीक है, जैसे कि इसमें दिया है एक पर्सन ने रियलाइज करा कि उसे एक नई लैपटॉप की जरूरत है क्योंकि जो करंट वाला है उसका वो आउटडेटेड हो गया है और स्लो हो गया है. तो सेकंड स्टेप आता है इन्फॉर्मेशन सर्च. वंस द नीड इज रिकॉग्नाइज्ड द कंज्यूमर स्टार्ट गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉसिबल सॉल्यूशन. जब जरूरत आइडेंटिफाई हो जाती है तो कंज्यूमर क्या करता है, उसके लिए पॉसिबल सॉल्यूशन जो जो है उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करना शुरू करता है. दिस सर्च कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल. ये सर्च दो तरीके की हो सकती है, या तो वो खुद ढूंढे या बाहर से हेल्प ले. एग्जाम्पल में दिया है द कंज्यूमर सर्च ऑनलाइन फॉर लैपटॉप रिव्यू आस्क फ्रेंड फॉर रिकमेंडेशन एंड कंपेयर डिफरेंट ब्रांड एंड मॉडल. कंज्यूमर को जब एक पर्सन को न्यू लैपटॉप की जरूरत थी तो अब उसने क्या करना शुरू करा, ऑनलाइन उसके रिव्यूज चेक करने शुरू करे, फ्रेंड से रिकमेंडेशन ली और सारी ब्रांड के लैपटॉप और मॉडल्स को कंपेयर करा. नेक्स्ट आता है इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स. तो एट दिस स्टेज द कंज्यूमर कंपेयर डिफरेंट प्रोडक्ट और ब्रांड बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया सच एज फीचर्स क्वालिटी प्राइस एंड ब्रांड रेपुटेशन. अब थर्ड स्टेज में कंज्यूमर क्या करता है, अलग अलग प्रोडक्ट और अलग अलग जो ब्रांड हैं उनको फीचर्स के बेसिस पर क्वालिटी प्राइस और ब्रांड रेपुटेशन के बेसिस पर डिफरेंशिएट करता है. दिस इन्वॉल्व वेइंग द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच ऑप्शन और हर ऑप्शन के प्रोज मतलब फायदे और नुकसान देखता है. एग्जाम्पल में दिया है कंज्यूमर इवेल्युएट डिफरेंट लैपटॉप मॉडल बेस्ड ऑन प्रोसेसर स्पीड बैटरी लाइफ प्राइस एंड यूजर रिव्यू टू डिटरमाइन विच वन बेस्ट मीट देयर नीड. तो कंज्यूमर ने अब अलग अलग मॉडल के जो लैपटॉप थे उसकी प्रोसेसर के अकॉर्डिंग, स्पीड के अकॉर्डिंग, बैटरी लाइफ, प्राइस और यूजर्स के रिव्यू के अकॉर्डिंग ये समझने की कोशिश करी कि उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग बेस्ट लैपटॉप कौन सा रहेगा. फोर्थ है परचेज डिसीजन. तो आफ्टर इवेल्युएटिंग द अल्टरनेटिव द कंज्यूमर मेक अ डिसीजन एंड चूज अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड ब्रांड. अब सारे अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करने के बाद कंज्यूमर क्या करता है, डिसीजन लेता है और एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट और ब्रांड को चूज करता है. दिस स्टेज इन्वॉल्व द एक्चुअल परचेज वेयर द कंज्यूमर सिलेक्ट द प्रोडक्ट एंड कंप्लीट द ट्रांजेक्शन. इस स्टेज में एक्चुअल परचेज होती है जहाँ पर कंज्यूमर प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता है और ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करता है. एग्जाम्पल में दिया है द कंज्यूमर डिसाइड टू बाय अ पर्टिकुलर लैपटॉप फ्रॉम अ स्पेसिफिक रिटेलर एंड प्रोसीड टू मेक द परचेज आइदर ऑनलाइन और इन स्टोर. फिफ्थ स्टेप आता है आपका पोस्ट परचेज बिहेवियर. तो आफ्टर द परचेज द कंज्यूमर रिफ्लेक्ट ऑन देयर डिसीजन. द स्टेज इन्वॉल्व इवेल्युएटिंग द सेटिस्फेक्शन विद द प्रोडक्ट एंड द ओवरऑल बाइंग एक्सपीरियंस.
परचेज करने के बाद कंज्यूमर क्या देखता है, उसके डिसीजन का क्या रिफ्लेक्शन है, मतलब इसमें वो इवेल्युएट करता है कि उसे उस प्रोडक्ट से कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और उसका ओवरऑल बाइंग एक्सपीरियंस कैसा है। इट कैन लीड टू आइदर पोस्ट परचेज सेटिस्फेक्शन और डिसअनॉयंस। इसमें क्या हो सकता है, या तो वो परचेज के बाद सेटिस्फाई हो जाएगा या डिसअनॉयंस हो जाएगा, मतलब वो खुश ना खुश हो जाएगा एक तरीके से प्रोडक्ट से। एग्जाम्पल दिया, उसने यूज करना स्टार्ट करा और ये जाना कि उसकी मीट एक्सपेक्टेशंस और जो उसकी नीड्स थी वो फुलफिल हो रही है, मीट आउट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग डिसीजन। ये जो आपने बाइंग डिसीजन का प्रोसेस देखा, अब इसमें क्या क्या फैक्टर होते हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं, मतलब जिनकी वजह से ये बाइंग डिसीजन आपका चेंज हो जाता है। तो पहला आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। इसमें पहला साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर आपका मोटिवेशन, द ड्राइव बिहाइंड अ परचेज डिसीजन ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय नीड एंड वांट। मोटिवेशन क्या होता है, परचेज डिसीजन के पीछे का जो फोर्स वर्क कर रहा होता है वो होता है मोटिवेशन, जो कि किस चीज से इन्फ्लुएंस होता है, आपकी नीड और वांट्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है आपका परसेप्शन, तो हाउ कंज्यूमर व्यू एंड इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन, की कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन को कैसे देखता है और किस तरीके से इंटरप्रेट करता है। परसेप्शन कैन बी शेप्ड बाय एडवर्टाइजिंग, पर्सनल एक्सपीरियंस और वर्ड ऑफ माउथ। परसेप्शन को आप किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं किसी कंज्यूमर की, एडवर्टाइजिंग के थ्रू, पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू और वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू। नेक्स्ट आता है लर्निंग, तो चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड इन्फॉर्मेशन, पास्ट एक्सपीरियंस विद अ प्रोडक्ट और ब्रांड कैन इन्फ्लुएंस फ्यूचर परचेजिंग डिसीजन। कंज्यूमर के बिहेवियर में चेंज किस वजह से, पुराने एक्सपीरियंस और इन्फॉर्मेशन की वजह से, कि पहले उसने प्रोडक्ट या ब्रांड का यूज करा था तब उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा, उसके अकॉर्डिंग वो अपना परचेजिंग डिसीजन इन्फ्लुएंस करे। ठीक है, फिर है बिलीफ एंड एटीट्यूड, तो पर्सनल बिलीफ एंड एटीट्यूड टुवर्ड अ प्रोडक्ट और ब्रांड अफेक्ट बाइंग चॉइस। किसी पर्सन की खुद की क्या बिलीफ है, मतलब उसका क्या विश्वास है, क्या एटीट्यूड है किसी ब्रांड और प्रोडक्ट के लिए, तो उस पर भी उसका बाइंग डिसीजन डिपेंड करता है। सेकेंड आता है आपका पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर में एज एंड लाइफ साइकिल स्टेज आता है। पहला तो कंज्यूमर नीड एंड प्रेफरेंस चेंज विद एज एंड लाइफ स्टेज। कंज्यूमर की बाइंग डिसीजन किस चीज पर डिपेंड करता है, वो किस एज ग्रुप में है और किस लाइफ स्टेज पर है। एग्जाम्पल दिया है वो आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका ऑक्यूपेशन, तो अ कंज्यूमर जॉब एंड प्रोफेशन कैन इन्फ्लुएंस परचेजिंग बिहेवियर। कोई पर्सन कैसी चीज परचेज करेगा, वो किस चीज पर डिपेंड करता है, वो क्या जॉब करता है, उसका क्या प्रोफेशन है उस चीज पर। फिर आता है इकोनॉमिक सिचुएशन, तो पर्सनल फाइनेंस स्टेटस इंपैक्ट परचेजिंग पावर। कंज्यूमर विद हाई इनकम में स्पेंड मोर ऑन लग्जरी आइटम व्हाइल दोज विद लोअर इनकम में फोकस ऑन नेसेसिटीज। किसी पर्सन का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है उस चीज पर भी परचेजिंग पावर डिपेंड करती है। जो एक अच्छी इनकम वाला कंज्यूमर होता है वो लग्जरी आइटम पर स्पेंड करता है, वहीं जो एक लोअर इनकम वाला पर्सन होता है वो सिर्फ नेसेसिटी की चीजों पर स्पेंड करता है। नेक्स्ट आता है लाइफ स्टाइल, तो अ कंज्यूमर लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग देयर इंटरेस्ट एंड एक्टिविटी अफेक्टिंग देयर बाइंग डिसीजन। एक पर्सन का, कंज्यूमर का लाइफ स्टाइल कैसा है, उसका इंटरेस्ट और एक्टिविटीज क्या है, उस चीज पर भी उसका बाइंग डिसीजन डिपेंड करता है। फिर पर्सनैलिटी, तो ट्रेड सच एज कॉन्फिडेंस, ओपननेस एंड कंसियसनेस कैन इन्फ्लुएंस कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड ब्रांड चॉइस। किसी कंज्यूमर के क्या ट्रेड्स हैं, क्या कॉन्फिडेंस है उसकी, क्या ओपननेस है, क्या उसकी कॉन्शियसनेस है, इस चीज पर भी उसकी कंज्यूमर की प्रेफरेंस और बाइंग डिसीजन डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है आपका सोशल फैक्टर, इसमें पहला है फैमिली, तो फैमिली मेंबर कैन इन्फ्लुएंस बाइंग डिसीजन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। किसी पर्सन के जो फैमिली मेंबर होते हैं उनके अकॉर्डिंग, उनके वजह से भी उसका बाइंग डिसीजन इन्फ्लुएंस हो जाता है, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से। फिर आते हैं रेफरेंस ग्रुप, तो ग्रुप दैट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर सच एज फ्रेंड कलीग्स और सोशल सर्कल। किसी पर्सन के फ्रेंड्स कलीग्स और सोशल सर्कल जो होता है उस वो भी उसके बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। रिकमेंडेशन एंड ओपिनियन फ्रॉम दिस ग्रुप कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट परचेजिंग डिसीजन। इन लोगों से जो रिकमेंडेशन मिलती है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है उसके डिसीजन को। फिर सोशल स्टेटस, तो अ कंज्यूमर सोशल स्टेटस एंड डिजायर टू अलाइन विद डिफरेंशिएट फ्रॉम अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप कैन अफेक्ट बाइंग बिहेवियर। कोई पर्सन अपने आप को ग्रुप से डिफरेंट रखना चाहता है, सेपरेट रखना चाहता है, उस चीज पर भी उसका बाइंग डिसीजन डिपेंड करता है। फिर रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन, तो द रोल इंडिविजुअल प्ले इन देयर फैमिली एंड सर्कल इन्फ्लुएंस देयर परचेजिंग डिसीजन। किसी इंडिविजुअल का सोशल और फैमिली सर्कल कैसा है उस चीज पर भी उसका परचेजिंग डिसीजन डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर में कल्चर, तो द सेट ऑफ वैल्यू बिलीफ एंड कस्टम शेयर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। लोगों के अंदर क्या वैल्यूज हैं, क्या बिलीफ हैं और क्या कस्टम्स वो शेयर करते हैं।
कल्चरल इन्फ्लुएंस कैन डिटरमाइन प्रेफरेंस फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट और ब्रांड। तो जो ये कल्चरल की इन्फ्लुएंस होती है, कल्चर की इन्फ्लुएंस होती है, इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि कोई पर्सन किस टाइप का और किस प्रोडक्ट और ब्रांड को खरीदेगा। फिर आता है सब कल्चर। तो डिस्टिंक्ट ग्रुप विद इन अ कल्चर दैट हैव देयर ओन वैल्यू एंड नॉर्म्स सच एज एथनिक ग्रुप और रिलीजियस कम्युनिटीज। कल्चरल ग्रुप्स के अंदर जो अलग अलग ग्रुप्स बने होते हैं, एथनिक ग्रुप हो गए, रिलीजियस ग्रुप हो गए, वो सारे आते हैं आपके सब कल्चर में। तो सब कल्चर पर भी डिपेंड करता है कि किसी कस्टमर की क्या प्रोडक्ट प्रेफरेंस रहेगी। फिर आती है सोशल क्लास। तो सोशल क्लास कैन इन्फ्लुएंस बाइंग बिहेवियर विद डिफरेंट क्लास एग्जिबिटिंग डिस्टिंक्ट परचेजिंग पैटर्न। सोशल क्लास कैसी है किसी पर्सन की, उस चीज पर भी उसका बाइंग डिसीजन डिपेंड करता है, क्योंकि अलग अलग सोशल क्लास की अलग अलग परचेजिंग पैटर्न होता है। नेक्स्ट आता है सिचुएशनल फैक्टर। तो इसमें आता है आपका परचेज सिचुएशन, द कंटेक्स्ट इन विच अ परचेज इज मेड सच एज टाइम प्रेशर लोकेशन एंड द ओकेजन। फॉर इंस्टेंस अ कंज्यूमर माइट मेक द डिफरेंट परचेजिंग डिसीजन व्हेन शॉपिंग फॉर अ गिफ्ट वर्थ फॉर देमसेल्फ। क्या बोला है, किस कंडीशन के अंदर, किस कंटेक्स्ट में परचेज करी गई है, मतलब टाइम के प्रेशर में आकर या लोकेशन के प्रेशर में या किसी ओकेजन की वजह से परचेज करी गई है, इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि वो क्या प्रोडक्ट और कैसा प्रोडक्ट खरीदेगा। नेक्स्ट आता है फिजिकल एनवायरनमेंट। तो द मार्केट लेआउट, एम्बियंस एंड ऑनलाइन शॉपिंग एनवायरनमेंट कैन इंपैक्ट बाइंग डिसीजन। स्टोर का लेआउट, एम्बियंस और ऑनलाइन शॉपिंग एनवायरनमेंट कैसा है, उस चीज पर भी डिपेंड करता है किसी कंज्यूमर का बाइंग डिसीजन। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका कंज्यूमर बिहेवियर वाला कंसेप्ट खत्म हो जाता है। अब यहाँ से आगे आपका मार्केट सिलेक्शन वाला पार्ट शुरू होगा। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक करेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर वाला मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे मार्केट सिलेक्शन का कंप्लीट कंसेप्ट। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।